इसलिए न कहे कि 18 बरस की होने को आई, खुश कर देते, खुश कर देते। हाँ, दिस माय प्लीज आंसर गॉट मर्डर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फिलहाल हम पहुंच चुके हैं राजू होटल, और यहाँ पे शाकाहारी एवं मांसाहारी सभी चीज खिलाया जाता है। तो हम यहाँ पे मटन टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि राजू होटल का जो है मटन बहुत फेमस है। तो हम भी यहाँ के आए हैं मटन को टेस्ट करने के लिए, यहाँ के फूड को एक्सप्लोर करने के लिए। उसे यहाँ के जो ऑनर है उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे आपको लोकेशन समझा देते हैं। इधर जो है रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से आगे बढ़िएगा तो मोहनपुर रोड में निक्कू स्थान समस्तीपुर में ये राजू होटल है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या सभी खिलाते हैं मटन के अलावा। अच्छा, ये इधर देखिए नॉन वेज आइटम है क्या भैया? हाँ, नॉन वेज आइटम, नॉन वेज आइटम है। तो ये क्या हो गया? चिकन है। ये चिकन है, तो फिलहाल आप चिकन देख सकते हैं। ये देखिए चिकन का ग्रेवी, देखिए ग्रेवी पूरा जो है, ग्रेवी का थिकनेस काफ़ी अच्छा है। और अगर पीस की बात करें तो पीस का साइज देखिए, ये देखिए ये है पीस का साइज, पूरा बड़ा बड़ा पीस भी है। और रोगन साइड साइड से इसमें उभर के आया हुआ है। इसके बगल में जस्ट आप मटन, ये मटन है, और मटन का कलर देखिए, वाह क्या कलर है, पूरा जो है रोगन ऊपर ऊपर आ गया है। और इधर जो है ये चुस्ता आ गया, ये चुस्ता है ना, ये देखिए ये चुस्ता कितना बड़ा है। इसका क्या रेट होता है? 150 रुपया पड़ता है प्लेट में। 150 रुपया प्लेट ये चुस्ता का? 150 रुपया चावल अलग से नहीं, इसी के अंदर है, इसी के अंदर। तो अगर ग्रेवी की बात करें तो ग्रेवी देखिए, ये देखिए ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, पूरा मीडियम साइज में। और मटन का खुशबू जो है पूरा उभर के आ रहा है, यहाँ पे सारा नॉन वेज आइटम का जो खुशबू है वो उभर के आ रहा है। और इधर ये भैया क्या हो गया, ये दिखाइए थोड़ा सा चला के, कौन सा मछली है ये? रेहू मछली है, रेहू मछली है, ये आ गया रेहू मछली। और इधर अंडा देखिए, ये फ्राई करके रखा हुआ है, और इधर देखिए मछली भी फ्राई करके रखा हुआ है। तो हम जो है आज टेस्ट करने वाले हैं राजू होटल का मटन। मटन वाकई में देखने में ही लजीज लग रहा है, पूरा पूरा जो है देखने से ही लग, टेस्ट इसका जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये देखिए ग्रेवी, ग्रेवी का थिकनेस देखिए, ये देखिए पूरा, ये चर्बी आ गया, ये चर्बी है ना, चर्बी है। अच्छा मटन का रेट क्या होता है, मटन चावल का? मटन चावल का 150 रुपया प्लेट है, 150 रुपया प्लेट। और चिकन चावल? 100 रुपया, 100 रुपया। और मछली चावल? मछली चावल 150, 80 रुपया, 80 रुपया। इसके अलावा और क्या क्या खिलाते हैं आप? सब है, सादा खाना भी है, सादा खाना भी है, नॉन वेज नॉन वेज। समोसा सब, लिट्टी सब? समोसा लिट्टी सादा में, चावल दाल सब्जी रोटी, नॉन वेज में चिकन मटन मच्छी अंडा करी। लिट्टी बंडा है बाबा? लिट्टी बंडा है, समोसा है, कचड़ी है, अच्छा आलू चप है, अच्छा हाँ बैगनी भी है, मतलब सारा चीज है। हाँ, मतलब यहाँ पे मटन मछली भी खिलाते हैं और लिट्टी समोसा भी खिलाते हैं। हाँ, इधर ही कचौड़ी के लिए तैयार किए हैं। हाँ, ये कचड़ी? हाँ, प्याजुआ, प्याजुआ। हाँ, वो कैसा होता है? वो प्याजुआ नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं, हम तो खाए ना है कभी। अच्छा, और आलू चप? आलू चप, अच्छा आलू चप तो खाए हुए हैं बस। मटन भी आप ही बनाते हैं क्या? हाँ, आप ही बनाते हैं। हाँ, अच्छा कब से ही मटन बनाते हैं, कितने साल से आप मटन बना रहे हैं? हम बनाते हैं 1963 से। 1963 से मटन बना रहे हैं? हाँ, मतलब आपका भी एज क्या हो जाए, हो गया होगा ये 16-17 बरस? कितना? 16-17 बरस। आप 1963 से मटन बना रहे हैं और अभी 16-17 बरस के हैं? या देखिए इसलिए न कहे कि 18 बरस की होने को आई, कौन पूछेगा जतन कुछ कर। हम लोग थोड़ा कॉमेडी आदमी। हाँ, कॉमेडियल टाइप के, मतलब हंस बोल कर गाँव को हम थोड़ा खुश कर देते हैं, खुश कर देते, खुश कर देते। हाँ, दिस माय प्लीज आंसर गॉट मर्डरिंग वाइफ। वाह क्या बात है, बाबा के लिए ताली हो जाए, गजब। अच्छा ये मटन आप बना रहे हैं 1963 से? हाँ। अच्छा ऐसा आप क्या डालते हैं मटन में जो इतना ज्यादा फेमस है? हमको उधर बताया गया था कि राजू होटल का मटन अच्छा होता है। सर वो बात नहीं, बनाने का तरीका है कि अगर 4 किलो मटन है तो 4 किलो प्याज है, 250 ग्राम आदि है, 250 ग्राम लहसुन है, अच्छा 50 ग्राम गरम मसाला जीरा मरीच है, बस यही सब। हाँ, खाली भूजने का एक कला होना चाहिए, च्वाइस, च्वाइस। दिस माय प्लीज आंसर गॉट मर्डरिंग वाइफ। अच्छा, अभी क्या बोल रहे थे? सर
सर एक बार जो खा लीजिएगा ना, अच्छा, और कहीं भी जाइएगा तो इस ढंग का और ऐसी स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, नहीं नहीं पूरे समस्तीपुर में और पूरे बिहार, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, दिल्ली, करनाल, मुरादाबाद, लखनऊ, यहाँ तक हम घूमे हैं और इस चीज को हम फेमस हैं बनाने में। आप फेमस हैं। वैसे आपका एज देख के ही पता चल रहा है कि आप कितने साल से मटन बना रहे होंगे। हाँ क्या? हाँ तो वही ना हम बोले कि 1963 में मैं होटल बाजी करता हूँ। हाँ। आखिरी 1900 कितना है? अभी 2022 चल रहा है। 2022 मेरा उम्र है 74 बरस। ये हम अपने लिए प्लेट लगवाते हैं। इधर देखिए भैया जो है गर्मा गर्म चावल निकाल के लगा रहे हैं पूरा। और फिलहाल आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। अभी बारिश में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं समस्तीपुर में और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है बाहर में। और अंदर में हम शूट कर रहे हैं इधर जो है नॉन वेज आइटम। तो इधर आ गया मेरा मटन, तो हड्डी वाला पीस दीजिएगा, एक ही पीस दीजिएगा हड्डी वाला। मनपसंद पीस देते हैं ना? काहन देंगे, अवेलेबल होगा तो काहन देंगे क्या एकदम। तो ये देखिए ये आ गया मटन का पीस, पूरा छोटा सा, क्योंकि हम खा चुके हैं पहले ही, इसीलिए अभी टाइम लगभग जो है 3 बज रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हम लिए मटन टेस्ट करने के लिए। और चावल आ गया प्लेट में, ये देखिए। तो फाइनली मेरे लिए प्लेट लग चुका है और हम एक पीस मटन लिए और इतना हल्का मात्रा में चावल लिए हैं। और साथ में देखिए कॉम्बिनेशन में एक पापड़ मिला, प्याज मिला, इधर जो है भुजिया मिल गया है। तो भुजिया आ गया, इधर आ गया, ये देखिए ये मटन का रोगन देखिए साइड साइड से कितना खुल के आया है। और कलर जो है ना पूरा जैसा कलर होना चाहिए मटन का वैसा कलर है। तो हम चलिए इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं कि इसका स्वाद कैसा थी। हल्का सा हम लेते हैं पहले मटन का ग्रेवी, इसको गिरा रहे हैं। देखिए हल्का सा मोटा ग्रेवी है, ज़्यादा मोटा नहीं है, मतलब मीडियम साइज में मोटा है, मतलब थिकनेस हल्का सा है। इधर आ गया ग्रेवी और चावल, ये देखिए पूरा जो है लटपट सा घुल जा रहा है। इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं स्वाद। बाबा के हाथ में जो है ना जादू है, 1963 से जो मटन बनाएंगे तो ऐसा मटन बनेगा जैसा भी हमको खाने में लग रहा है। पूरा कॉम्बिनेशन अच्छा सा है मसाला और प्याज का। और ग्रेवी में भी जो है पानी का मात्रा हल्का सा यूज किया गया, ज़्यादा यूज नहीं किया गया है। टेस्ट पूरा खुल के आ रहा है इसमें, और काली मिर्च जो होता है उसका जो है टेस्ट पूरा और उभर के आ रहा है, इतना अच्छा से वो मटन पकाए हैं। तो चलिए हम मटन को टेस्ट करते हैं चावल के साथ। ये देखिए ये मटन का पीस आ गया, पीस ज़्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम साइज़ का पीस है। तो ये देखिए पीस, और पीस को हल्का सा दबाने के बाद, ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा दबाने के बाद, ये देखिए देख रहे हैं पूरा जो है इतने अच्छे से इसको सिझाया गया है। तो इधर आ गया अपना पीस और चावल, और हल्का सा ग्रेवी लेंगे। ग्रेवी का तो कलर जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखिए पूरा खूबसूरत है ग्रेवी का कलर। ये आ गया अपना मटन, चावल और पीस, उसका टेस्ट देखते हैं कैसा आता है। वाह, पूरा लजीज मटन है, किसी प्रकार का इस मटन में कमी नहीं है। वैसे बाबा का एज जो है 74 साल है, तो बाबा बहुत ही लजीज मटन बनाते हैं, बहुत अच्छा हमको मटन लगा यहाँ का। तो चलिए जल्दी जल्दी इस प्लेट को ख़त्म करते हैं। वैसे आप यहाँ का मटन खाने के लिए आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा समस्तीपुर में, ये मोहनपुर रोड में है राजू होटल, आप यहाँ पे आके खा सकते हैं पूरा सस्ता में अच्छा चीज़।